ना कैसी है भाई अब। वो हमना के लिए दवाई ले आई है, अभी हमना दवाई पिएगी, देखना ठीक हो जाएगी। आपको पता है ना मुझे इस दवाई का टेस्ट पसंद नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था मेरे लिए ऑरेंज फ्लेवर वाली लाइएगा। अब पड़ोस से तो मुझे यही दवाई मिली है। तो आप स्टोर से ले आती ना पप्पो। स्टोर से लाने के लिए पैसे नहीं थे अभी मेरे पास। फिलहाल यही वाली दवाई पी लो, ये भी ठीक करेगी। आ करो, आ आ आ आ आ, बस 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 एक और। नहीं पप्पू। लास्ट, बस ये बहुत जरूरी है। आ आ कितना गंदा टेस्ट है, जल्दी से पानी दे दे। ओ ये लो पानी पानी पानी। मेरा बेटा अभी ठीक हो जाएगा। पप्पो, बाबा से मिलने कब जाएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है। आप तो जानती हो ना, कराची जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। और अभी आपकी पप्पू के पास इतने पैसे नहीं है। पर आप फिक्र मत करो, इस सीट पर हम दोनों भाई जान से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती पप्पू, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। मुझे ले चले ना बाबा से मिलवाना। बस बस ऐसे नहीं रोते। मैं वादा करती हूँ आपके बाबा से मिलाने के लिए मैं आपको जरूर लेके जाऊंगी। थैंक यू पप्पू, आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छी मेरी जान। चलो अब आप आराम करो, फूफा भी सौदा लेने जाएंगी, मैं आपको मस्त से इसकी खिचड़ी खिलाएंगी। जाने आलम जी। बेटा क्या बात है, कई दिन से मैं देख रहा हूँ तुम परेशान नजर आ रहे हो। नहीं मैं ठीक हूँ। जान दे रहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ से औलाद की परेशानी नहीं छुप सकती बेटा। उस दिन भी जब तुम आधी रात को उठकर घर से गए थे और सुबह लौटे थे तो तुमने मेरे पूछने पर बात टाल दी थी। आज मैं तुमसे पूछ कर रहूंगी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो। बेटा बताओ ना मुझे। अमीरम को जिसने अगवा किया था ना, मुझे उसका पता चल गया है। किसने किसने अगवा किया मेरे बच्ची को? छोड़ सब कुछ, मट्टी डाल और भूल जाओ उसे। वो जो भी सोचती है तेरे बारे में उसे सोचने दे। पर हाँ, अगर तुझे वाकई उसकी इतनी फिक्र हो रही है ना, तो उसके पास जाओ और उसे ये एहसास दिलाओ कि जैसा वो तेरे बारे में सोचती है तू वैसा बिल्कुल नहीं। आपकी तरह पहले से 2000 रुपए बनते हैं। मैं पहले भी तो आपका कर्जा उतारती रही हूँ, जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले आपका ही कर्जा उतारूंगी। थोड़ा सा सौदा दे दे। कहाँ से पैसे देंगी यार, स्कूल की नौकरी तो आप छोड़ चुकी हैं, ये क्वार्टर एक दो दिन में छोड़ के आपने चले जाना है, फिर कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं आपको। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करिए,
मैं जहां पर भी जाऊंगी आपके पैसे पहले देकर जाऊंगी। उम्मीद तो नहीं है, आप कहती हैं तो मान लेता हूं, लेकिन ये मैं आखिरी बार आपको सौदा दे रहा हूं, आइंदा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी आपने। हाँ सौदा तो लेना ही पड़ेगा यार, क्या करें, ये लें संभालें। भाई ये तो बहुत थोड़ा है, इसमें कैसे गुजारा होगा? आपका क्या मतलब है, पूरे साल का राशन डाल दूं और खुद सड़क पे आ जाऊं? बीबी जो मिला है उसको गनीमत समझो, मेरी जान छोड़ो। शुक्रिया, पहले से हालात खराब है, ऊपर से उधार वालों की लाइनें लगी। हेलो, मैं शान आलम बात कर रहा हूँ, प्लीज फोन मत काटिएगा। एक बार मेरी बात सुन ले। जी बोले। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? देखिए मरियम, अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाएं तो हम आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। क्यों, मैं आपसे ऑफिस क्यों मिलने आऊं? आपने जो कहना है आप अभी बोले। इतनी जिद्दी मत बनिए प्लीज, अगर आप मेरे ऑफिस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कल आप मेरे ऑफिस आ जाएं प्लीज, इनकार मत कीजिएगा। जी देखती हूँ। थैंक यू, कल मैं आपका वेट करूंगा। अल्लाह हाफिज। करने की इतनी बड़ी सजा मिली मेरे बच्ची को, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी तकलीफें दी गई? उस मनहूस को पैसे चाहिए तो मांग लेता, मेरी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद ना करता, मैं सारी दुनिया उस पर निछावर कर देती। आलम अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिस शख्स ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद किया तुम उसे ढूंढोगे, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओगे। मैं चाहती हूँ उसे भी इतनी तकलीफ हो जितनी मेरे बच्चे ने सही है।